चदरे मेरी बिगड़ी बना दे। जो मेरे साथ हुआ वो अपने साथ मत होने देना। बहुत बड़ी कीमत लगाई उन्होंने अपने एहसानात की, अपने उस बेटे के साथ मेरा रिश्ता मांगकर। ज़बान चलाती है सबके सामने। इतना बदनाम करूंगी कि आपकी बहन मेरे पैरों पे गिरकर अपनी बेटी का रिश्ता मांगेगी, गिड़ गिड़ आएगी वो। मेरी जान, मेरा बच्चा कुटू। मेरी बहू, इतना सब कुछ हमारे लिए, मैं किस मुंह से? सिर्फ तुम्हारे लिए। कराची जाकर पढ़ लिख कर कुछ बन कर वापस आना, तो चुका देना एहसान। सुनो, तुम किसे ढूंढ रही हो? मैं अपनी अम्मा को यहाँ पे छोड़ के गई थी। अच्छा, माँ को दो गलियां छोड़ के आगे मेरी पंखों की दुकान है, और वहीं बैठी हुई ठंडा पानी पी रही है और तुम्हारे इंतजार कर रही हो। हाँ हाँ, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवा। आज अरे तुम रुक क्यों गई? तुम्हें अपनी माँ के पास नहीं जाना? हाँ, मगर मेरी माँ यहाँ पे नहीं थी, वो तो वहां पे कहीं थी, बस स्टॉप वगैरह पे। अरे वो बेचारी तो बड़ी परेशान खड़ी हुई थी तुम्हें ढूंढते ढूंढते। मैंने उसे ले जाकर अपनी दुकान पर बिठा दिया। हाँ, तुम सही नहीं कह रहे हो। ए, कहाँ जा रही? मैंने तुझसे कहा ना कि मेरे साथ चलो। माशाल्लाह, कितनी बड़ी हो गई है ये। मैं तो पहली नजर में देख के इसको पहचाने नहीं कि ये शरीफा बीबी की छोटी बेटी है। क्या कद निकाला है इसने। जीते रहो बेटा, जीते रहो। माशाल्लाह, रंग रूप भी बहुत अच्छा निकाला है। बेटा कितने दिनों के लिए आई हो? हमेशा के लिए। क्या क्या है कि खाला, तुम लोगों को तो पता है हमारे हालात। अब्बा की गुमशुदगी और गुड्डू की वफात के बाद तो कोई भी नहीं है हमारा, हमारा तो कोई भी सहारा नहीं है। तो पर तो क्या? तो मैं नौकरी करूंगी और पढ़ना भी चाहती हूँ मैं आगे खालू। लो भला, जैसे ये सब कुछ बड़ा आसान है। ओहो सकीना, बातें करने के लिए बहुत टाइम है भाई। क्या खाने पीने का इंतजाम करो, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। हमारे अपने ही हैं, अपनी बिरादरी के लोग हैं ये। जा बेटा, हाथ मुंह धो लो, जाओ। ठीक है।
आसपास के इलाकों में ढूंढो उन्हें, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे वो। इतनी हिम्मत नहीं है माँ बेटी में, पता करो किसी दोस्त सहेली से, किसी की मदद के बगैर नहीं निकल सकते वो लोग। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। कहा था मैंने इस लड़की के तेवर ठीक नहीं है, जरूर किसी के साथ आग मटक का चल रहा था इसका, आशिक के साथ भागी है ये। तुम चुप करो, सोच लो मुझे क्या करना है। नाक कट के रह गया मिलने जुलने वालों, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, सब देखो बकवास करती रहती है। बख्तावर बेटा, यहाँ पैसा कमाना और रहना आसान नहीं, वो भी अकेली औरत के लिए, और तुम्हें तो शरीफा अपने परों के नीचे छुपाकर बैठी रही। यहाँ कदम कदम पर कांटे हैं, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे पैर छिल जाएं और वापसी मुश्किल हो जाए। लेकिन खाला, मैं तो यहाँ सारी कश्तियाँ जला कर आई हूँ, वापसी जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब मैं बेटा बन के नहीं, बेटी बन के माँ का सहारा बनूंगी, बल्कि हालात का मुकाबला मर्दाना वार नहीं, जनाना वार करूंगी। ये जनाना वार क्या होता है? हाला, हम औरतें इतनी भी कमजोर नहीं होती, देखना तो। हम छोटे शहरों से पढ़ी हुई खवातीन को अपने स्कूल में जॉब नहीं दे सकते। लेकिन मैम एक मिनट, ये मेरी डिग्री है तो देखें, मेरे हमेशा फर्स्ट ग्रेड आते रहे, मिस एक बार देखें तो सही है। प्लीज आप मेरी मजबूरी को समझिए। नेक्स्ट। कुछ है यहाँ जल के बुझा है बिल्कुल ठीक कह रही थी, यहाँ नौकरियां दरख्तों पर नहीं उगती। तुम्हारी किसी से कोई जान पहचान है बेटा? यहाँ कोई किसी को ऐसे नौकरी शोकरी नहीं देता। हालू, तुम्हें तो पता है तुम लोगों के सिवा हम यहाँ किसी को नहीं जानते, लेकिन मैं सिफारिश पे नहीं, अपने बल पर कुछ हासिल करना चाहती हूँ। जरा नहीं बदली ये लड़की, जिद्दी और खुदसर है, अपनी बात मनवाने वाली। हाला, तुम किस फैक्ट्री में जॉब करती हो? घुटना ठीक है तुम्हारा? अच्छा, शुक्र। यहाँ हमारी मोहल्ले की बहुत सी औरतें आती हैं, पैसे थोड़े मिलते हैं और मेहनत भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो हाथ आ जाता है ना। खाला, मैं तो ये सोच रही हूँ, मुझे तो ये सिलाई का काम बिल्कुल भी नहीं आता। अरे मैनेजर से कह देना ना, वो तुम्हें किसी और काम पे रख लेगा। यहाँ लिखत पढ़त का भी काम होता है। लो मैनेजर साहब आ गए, अच्छे से बात करना। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लो ये क्या बात हुई, काम ठीक नहीं है, फैक्ट्री के काम का यही हिसाब किताब होता है। खाला, 12 घंटे काम कराने के बाद 700 रुपए हाथ में पकड़ा रहे थे। मुझे बताया आजकल 700 रुपए में किसका गुजारा होता है, और फारिग वक्त में पढ़ाई भी तो करनी है। शुरू शुरू में पैसे कम होते हैं लेकिन बाद में बढ़ जाते हैं। पैसे पकड़ाते हुए ऐसी अजीबो गरीब एहसान जताने वाली बातें कर रहा था, ये बड़ी ज्यादती है, मैं तो यहाँ नौकरी नहीं करूंगी। तुम आई बड़ी कहीं की शहजादी जो किसी की बात नहीं सुन सकती। क्यों बहस कर रही हो, अगर वो नहीं करना चाहती तो रहने दो। बख्तावर बेटा, एक नौकरी है मेरी नजर में, मुशक्कत का काम है लेकिन ठीक ठाक रकम है। मैं सब मुशक्कत करने को तैयार हूँ। कहो तो बात चलाऊं। काम क्या होगा? कंडक्टरी कर लोगी, पैसे ठीक ठाक है। आपका
यहाँ जल के बुझा है धुआं सा। कुछ है यहाँ जल के बुझा है धुआं सा। चल के जहाँ हूँ मैं रुका है कुआं सा। बख्तावर, बख्तावर नाम है ना तुम्हारा? अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मुँह में जबान नहीं है। जी जी बख्तावर। मैं परवीन, गफार चाचा ने भेजा है ना तुम्हें? जी जी। चलो इंटरव्यू के लिए चलें। इंटरव्यू के लिए चलना है, उठो। सर मेरे पास ये सारी डिग्री भी हैं। अरे डिग्री वगैरह से कुछ नहीं होता, तुम्हें देख के पास करना था, कर दिया पास। एक बार अच्छी तरह तसल्ली कर ले, बाद में मुझे एहसान मत जताते फिरिएगा कि तुम्हारी वजह से रख ली और कंपनी का नुकसान कर दिया। अरे कैसा नुकसान, अच्छी खासी शक्ल सूरत है और वैसे भी सब कुछ ठीक ठाक ही है। सर सर काम का क्या होगा? मीठा मीठा बोलना होगा, पैसेंजर चाहे जितनी कड़वी कसीली बात क्यों ना करे, बस आपको मीठा रिप्लाई करना है। फाइनल है फिर, इसको आपने रख लिया ना? अरे रख लिया और कैसे कहूँ, रख लिया। ठीक है फिर ये कल से आ जाएगी। तुम्हारी बात कभी टाली है मेरी पत्नी? एक तुम ही हो जो हमारी मोहब्बत की कदर नहीं करते, वरना तो आदमी भी हम बड़े काम के। हाँ आप एक काम कीजिए, ये अपने आईडी कार्ड की कॉपी के साथ यहाँ साइन कर दें। जी सर। और सुनो, 3 महीने की मॉर्निंग ड्यूटी है, उसके बाद नाइट की शिफ्ट भी लगेगी, ठीक है ना? शुरू के 3 महीने 20,000 रुपये सैलरी और उसके बाद 25,000 रुपये। डन पनवीर? ठीक है डन। यहाँ तुम साइन कर दो। जी कहाँ? परवीन तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें कितना अरसा हुआ है यहाँ? साल से ज्यादा हो गया। नौकरी सख्त है लेकिन पैसे अच्छे हैं, इसीलिए हम जैसी मजबूर लड़कियाँ यहाँ टिकी हुई हैं। एक बात पूछो, अगर बुरा ना मनाओ तो? हाँ पूछो। वो जो मैनेजर था वो कितनी वाहियात बातें कर रहा था, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? पहले बहुत गुस्सा आता था, जब बूढ़े बाप की मजदूरी, सौतेली माँ के ताने और घर के कभी ना ख़त्म होने वाले अखराजात याद आते हैं तो सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ जाता है। क्या हुआ, तुम्हें भी आदत हो जाएगी। सुनो परवीन, फैसलाबाद की बस निकलने वाली है, तुम हो के यहाँ खड़े गप्पे लगा रही हो, सारे पैसेंजर्स गाड़ी में बैठ गए। तू कब से मेरा बॉस बना फिर रहा है, जाके अपना काम कर, मैं दूंगी उल्टे हाथ का। बड़ा आया मुझे बताने वाला मुझे क्या करना है। चलो ठीक है परवीन तुम जाओ, कल मैं वक्त से पहुंच जाऊंगी। सही है, चलो तुम अपना ख्याल रखना। अच्छा सुनो। हाँ। तुम वाकई बहुत बहादुर हो। तुम भी हो जाओगी, कल मिलते हैं। शुरू के 15 दिन खैरियत से गुजर गए। अल्लाह का बहुत शुक्र है परवीन, अगर तुम्हारा साथ ना होता ना तो इतना मुश्किल काम मैं कभी ना कर पाती। नवीद सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो खाली खुली शुक्रिया। सर वो आपसे एक दरखास्त करनी थी, अगर पहले महीने की तनख्वाह के कुछ पैसे एडवांस में मिल जाते। अरे यार दरखास्त नहीं, हुक्म करो आप यार, आखिर परवीन की सहेली हो आप यार, मैं भी कर देता हूँ। क्यों परवीन ठीक है ना? शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अब हम चलें? अरे तुम कहाँ चली, बैठो कोई चाय कोई ठंडा,
एमी चाय वाय पी लेते हैं, कोई वजह भी होती है। अरे वजह भी बना लेंगे यार, क्या हो गया, थोड़ी देर बैठो। चलो बख्तावर, वैसी देर हो रही है। अरे परवीन, परवीन कितनी खूबसूरत चीजें मिलती हैं इस शहर में। वैसे तो गम में पड़ी रहती है लेकिन खाने की पूरी होशियार है, दिन की 3-4 प्याली तो ऐसे ही चढ़ा जाती है। दूध कितना महंगा हो गया हुआ है, चीनी पत्ती तो आजकल बचती ही नहीं है। मेहमान 2 दिन का हो 3 दिन का हो, जो सर पे आके बैठ जाए वो तो बलाए जान है। सकीना खाला, ये एडवांस में तनख्वाह मिली थी, ये रख लो घर खर्च के लिए। मैं कैसे रख सकती हूँ बेटा, तुम मेरी बेटियों जैसी हो, भला कोई अपने बच्चों से भी खर्चा लेता है? अच्छा इतने प्यार से दे रही हो तो रख लेती हूँ, तुम्हारा दिल भी तो नहीं तोड़ सकती ना। मेरी बचपन की सहेली की बेटी हो तुम, मेरी भांजी हुई, कोई गैर थोड़ी। चाय मिल सकती है? हाँ हाँ, मैं अपने हाथों से दूध पत्ती बनाकर लाती हूँ, तुम्हारे लिए पराठा भी, बस अभी आई। पानी मिल जाएगा? जी अभी मैं देती हूँ। सारे कपड़े खराब कर दिए मेरे, अंधी हो दिखाई नहीं देता, जाहिल। सॉरी सर। साफ करो। जी। सॉरी सर। देख क्या रही हो, साफ करो। इसे भी साफ करो। सुना नहीं तुमने? मारी इतनी हिम्मत? 2 कौड़ी की मुलाजमा, हमें चाय पानी पिलाती हो, हमारे किराए से तनख्वाह लेती हो। तो शर्म करो बेटा, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? मेरी माँ बहन मेरे घर में बैठी है शराफत से, इसकी तरह गैर मर्दों को चाय पानी नहीं पिलाती फिर भी। क्या बेटा आप आगे हो? परेशानी, सो क्यों नहीं रहे? बस वो नींद नहीं आ रही थी। सच बोल रही?
माओ को बेटियों के दिलों का हाल कैसे पता चल जाता है? बेटी बेटी होती नाजुक सी, माओ का एहसास रखने वाली माँ क्यों ना एहसास करे फिर बेटी का? वो तो ठीक है, लेकिन इतनी भी नर्म और नाजुक नहीं हूं मैं। तुम्हारे ही तो भरोसे पे आ गई हूँ। सो जा। परवीन। क्या परवीन? मैं ये नौकरी नहीं कर सकती, ऐसा मुलाजमों वाला सलूक करते हैं, जब दिल चाहा मुंह उठा के जलील कर दिया, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं ये नौकरी नहीं करी। बख्तावर, तुम एडवांस तनख्वाह ले चुकी हो और जो तुम्हारे साथ हुआ वो यहाँ मामूल की बात है, और अगर अभी से तुम हिम्मत हार गई तो आगे जाके क्या करोगी? चलो शाबाश। परवीन, सर नवीद को पता नहीं क्या हुआ, वह सुबह से इतने गुस्से में घूम रहे हैं। कह रहे थे कि परवीन से कहना हर हालत में मुझे दफ्तर में मिलकर जाए। इनकार जो कर दिया मेरे बाप ने, खबीस रिश्ता लेके आया था मेरे घर, घर में बीवी और 5 बच्चे होने के बावजूद रिश्ता भेज दिया मेरे घर। 5 बच्चे? लिफ्ट जो नहीं कराती मैं, इसलिए उठा के रिश्ता फेंक दिया घर पे। इस जैसे मर्द हम जैसी औरतों की कभी इज्जत कर ही नहीं सकते, और वैसे भी मैं बचपन से ही अपने मामूजात को पसंद करती हूँ, और पिछले माह उसकी नौकरी भी लग गई है, और कुछ दिनों में मेरी मुमानी मेरे घर रिश्ता भी लेके आ जाएंगी। वाह भाई, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। मैं तुम्हारे लिए इतना खुश हूँ कि अपने गम तो भूल ही गई। बस इंशाल्लाह जल्द शादी होगी, और मैं चाहती हूँ अल्लाह ताला तुम्हें भी ऐसी खुशियाँ जल्द नसीब करे। चलो चलो चलो। क्यों रोका? रिश्ते से इनकार क्यों किया? इनकार करना मेरा हक था, कर दिया। सीधा सीधा क्यों नहीं बोलती कि तुम्हारे मामू के घर वाले रिश्ता लेकर आ रहे हैं तुम्हारा? चलो हटो, ड्यूटी कर कर आई हूँ, घर जाना है मुझे। तुम्हारा गुरूर जो है ना, मैंने मट्टी में ना मिलाया तो मेरा नाम भी। क्या नाम रखूं तुम्हारा? नाकाम आशिक। नाकाम आशिक? खबर की तरफ, कल रात इंटरसिटी बस टर्मिनल पर खातून मेजबान को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। मकतूला का नाम परवीन अख्तर बताया जा रहा है, जो अपने कुंबे की वाहिद कफील भी थी। वाकई की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना कातिल। कितना जुल्म हुआ बेचारी पे, अपना पूरा कुंबा चलाती थी, कुछ पता चला मारा किसने? मारा होगा किसी आशिक ने, उनका यही हाल होता है। रंगे हाथों पकड़ी गई होगी,
तैश में आके मार दिया उसने, और क्या। ये तुम जानती हो किसके साथ चक्कर था इसका? नहीं खाला, मैं छुट्टी पे थी मैं, लेकिन ये जानती हूँ कि परवीन बेकसूर थी। अब ऐसा भी नहीं है, अगला पागल था जो यूं ही उठ के गोली मार दी। ठीक है ठीक है, हम अपने अंदाजा क्यों लगा रही हो? बख्तावर जाएगी ऑफिस तो सब पता करके आ जाएगी अंदर की कहानी क्या थी। क्यों बख्तावर? मैं काम पे नहीं जाऊंगी खालू। क्या क्या कहा तुमने? मैंने नौकरी छोड़ दी है। हाँ? क्या कह रही है? काम वाम कोई नहीं करना है इसने, तो अफसर बनने आई है जैसे रातों रात अफसर बन जाएगी। मैं तो साफ साफ जवाब देने लगी हूँ, हमने कोई ठेका थोड़ी उठा कर रखा। अभी रुको, ऐसे नहीं जाने देना, कोई ना कोई फायदा हासिल करके फिर छोड़ेंगे। इसका मामा बूझ सूंघता फिर रहा है, उसने गैरत और अना का मसला बना लिया है। उसको हर हालत के अंदर माँ और बेटी चाहिए। हम इन दोनों का पता बता के इसके मामा से 40-50 हजार तो बटोर सकते हैं। बड़ा पैसा है इसके मामा के पास। बस 40-50 हजार? छोटे आदमी हो ना, इसलिए बात भी छोटी सोचना। कम से कम 2 लाख रुपए में हवाले करना, जो तो हाथ आए अपने। जरा पता तो करूं कि असल कहानी क्या है। नजर रखना इन दोनों माँ बेटी पे बस। सुनो, मामा को तुम पे शक तो नहीं हुआ? उन्हें शक तो है लेकिन सबूत नहीं है उनके पास कोई। अक्सर पूछताछ के लिए घर पे आ जाते हैं। मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा क्या करूं, कहां जाऊं। सकीना खाला के सहारे पे यहाँ आई थी, उन्होंने भी धोखा दे दिया। आहत के बहुत अच्छे दोस्त के चाचा कराची में ही रहते हैं, उनका यही काम है, घर किराए पे दिलवाते हैं। मैं तुम्हें उनका नंबर सेंड कर देती हूँ, तुम उनसे जाके मिल लो, कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर हो जाएगा। कुछ है यहाँ जल के बुझा है धुआं सा, चल के जहाँ हूँ मैं रुका है कुआं सा। खुद से रूठा हुआ हूँ, कैसे खुद को मनाऊं। हमें कुदूस चचा ने भेजा है, आपको कमरे के लिए किराएदार चाहिए। पैसे हैं मेरे पास, मैं किराया एडवांस में दे सकती हूँ। पैसे आप देंगी? नहीं मतलब कोई भाई अब्बा कोई मर्द शख्सियत नहीं है आपके साथ? अकेली औरतों को कमरा किराए पे नहीं देते, फैमिली वालों को देते हैं। क्यों जी? जी बिल्कुल, उसूल है हमारा। वो कुदूस चाचा ने आपको बताया? पापा ना, ये जबरदस्ती का बखेड़ा हम अपने सर पे नहीं पाल सकते। इस मोहल्ले में ना बड़ी इज्जत है हमारी। चलें बाबा, हम अकेले नहीं हैं, भाई है मेरा। ये लें एडवांस, हम किराया भी वक्त पे देंगे, आपको हमसे कोई शिकायत नहीं होगी। भाई साथ क्यों नहीं आया? भाई दूसरे शहर में अपनी उसका काम का ना हिसाब चुकता करके तो तनख्वाह लेकर आ जाएगा। मैं तो पहले इसलिए आई हूँ क्योंकि माँ का इलाज करवाना था और मैंने इम्तिहान भी इसी शहर से देने, तो इसलिए। तुम पर्दादार हो और शरीफ भी लग रही, इसलिए अतबार कर लेते हैं तुम्हारा। क्यों जी? जी बिल्कुल, ये कच्ची रसीद पे अभी घर दे रहा हूँ, भाई के आने पे स्टाम्प पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा। हमारे यहाँ किराए के मामला तो औरतें तय नहीं करती, ना महरमों से बात नहीं करते। ये इसी साल पक्का कमरा बनाया है, छोटा सा गुसल खाना मौजूद और कमरे में जरूरत का सारा सामान है। पर्दे का खास ख्याल रख, मोहल्ले में इज्जत है हमारी। अब जाइए इनको कमरा दिखा दीजिए। चलो जी। झुमके बेच के तुमने
बयाना तो दे दिया, हर महीने कहाँ से लाओगी किराया? और इनसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारा भाई जिंदा है? जिंदा हो भी तो सकता है। क्या बकवास कर रही हो तुम? माँ सुबह होने दो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे दूंगी। कुछ है यहाँ जल के बुझा है धुआं सा। चल के रुका मैं हूँ जहाँ है कुआं सा। मुर्शिद नया एडिशन आया मोहल्ले में। पर्दे के अंदर से इतनी ब्यूटी झलक रही है तो पर्दे के बगैर क्या हाल होगा। अजीब चीज है ये शराफत भी, जहां शर भी है और आफत भी। लो आया 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 मैं आया। नजर साहब को ना औरतों का बाहर घूमना फिरना पसंद नहीं है, हमें भी किसी से नहीं मिलने देते। अच्छा, बस वो बाहर गए ना तो हम फौरन आ गए। पड़ोसियों के भी कुछ हुकूक होते हैं ना। वो बेटी कहाँ है आपकी, नजर नहीं आई हमें? हाँ, वो घर की कुछ चीजें लाने गई है बाजार। अकेले भेज दिया आप बेटे के? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोई काम था क्या? नहीं। जल के बुझा है धुआं सा। कुछ है यहाँ जल के बुझा है धुआं सा। चल के जहाँ हूँ मैं रुका है कुआं सा। खुद से रूठा हुआ हूँ, कैसे खुद को मनाऊं? मुर्शिद रे कोई ऐसी दवा दे। मुर्शिद रे मुझे मुझसे मिला दे। मुर्शिद रे थोड़े पर्दे हटा दे। मुर्शिद रे मेरी बिगड़ी बना दे।
खुदावर ये